धूम 4 और हिरानी की फिल्म करेंगे शाहरुख खान। जैसा कि सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान करियर के बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनकी पिछली फिल्में फैन, जब हैरी मेट सेजल, जीरो, 100 करोड़ के आंकड़ों तक भी नहीं पहुंच पाई, इससे उन्हें करारा झटका लगा है। इस समय शाहरुख खान अभिनय से दूर किताबें पढ़ रहे हैं और परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। उन्होंने फैसला लिया है कि जब तक उन्हें एक ऐसी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी जो उन्हें एक्टिंग करने के लिए प्रेरित करे, वे फिल्म साइन नहीं करेंगे। दरअसल शाहरुख दुविधा के दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे कैसे फिल्में करें। दर्शकों ने उन्हें उस रोमांटिक अवतार में भी नकार दिया है जिसके लिए वे जाने जाते थे। उनका आत्मविश्वास हिला हुआ है। सुपरस्टार की खोल से बाहर आने के लिए वे तैयार नहीं हैं, क्योंकि कुछ नया करने का साहस वे बटोर नहीं पा रहे हैं। ऐसे समय दो फिल्मकार शाहरुख को लेकर फिल्म प्लान कर रहे हैं और ये दोनों शाहरुख का करियर संवार सकते हैं। आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान बेहद अच्छे दोस्त हैं। आदित्य का बैनर यशराज फिल्म्स एक तरह से शाहरुख का घरेलू बैनर है और इस कंपनी के लिए उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। खुद आदित्य ने शाहरुख को लेकर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें और रब ने बना दी जोड़ी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में निर्देशित की है। खबर है कि शाहरुख को लेकर आदित्य धूम 4 प्लान कर रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख नकारात्मक किरदार के रूप में दिखाई देंगे। धूम सीरीज में हर बार विलन बदल जाता है। जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन और आमिर खान ये सीरीज की फिल्म कर चुके हैं और अब शाहरुख की बारी है। धूम सीरीज की फिल्म का खासा क्रेज है और शाहरुख नेगेटिव कैरेक्टर में पसंद भी किए जाते हैं। ये फिल्म उनका खोया गौरव लौटा सकती है। दूसरे बड़े फिल्मकार हैं राजकुमार हिरानी, जो शाहरुख के साथ एक रोमांटिक फिल्म बनाना चाहते हैं। हिरानी लंबे समय से शाहरुख के साथ काम करना चाहते हैं। उन्होंने मुन्ना भाई, MBBS और 3 Idiots शाहरुख को ही ऑफर की थी, लेकिन कुछ कारणों से ये दोनों फिल्में शाहरुख नहीं कर पाए। अब ऐसे समय में जब शाहरुख को हिट की सख्त जरूरत है, हिरानी की फिल्म के जरिए वे कमाल कर सकते हैं।